जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये एक शुक्राना सत्संग है और ये मुझे भेजा है अफ्रीका से, नाइजीरिया से एक आंटी ने, वो अफ्रीका में रहती हैं। और ये इनका शुक्राना सत्संग मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस सत्संग को पूरा सुने, और आपका भी यदि कोई सत्संग है तो उसे ऑडियो में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, मैं व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। तो शुरू करते हैं आंटी का सत्संग, और निवेदन है आपसे कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना अवश्य कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आंटी का सत्संग। आंटी कहती हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका तहे दिल से आपका शुक्राना। गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। गुरु जी महाराज के लिए दो शब्द लिख रही हूँ, क्या मांगू, क्या मांगू मैं गुरु जी आपसे, आप पर ब्रह्म अंतर्यामी परमेश्वर हो। मुझे मांगने का सलीका नहीं आता, तू देने की अदा बखूबी जानता है। जब जब मैंने तेरे दर पर सिर झुकाया है तब तब मेरा मुकद्दर संवर गया है। बस यही निकलता है हर पल मुंह से, वाह वाह मेरे प्यारे गुरु जी, धन धन गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी जय गुरु जी, आंटी जी आपको और प्यारी गुरु संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे अपने साथ अगस्त 2023 से जोड़ा हुआ है, या यूं कहिए स्वयं गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है। मैं गुरप्रीत कौर अफ्रीका नाइजीरिया रहती हूँ अपने अंकल के साथ। मैं, मेरे अंकल, हम दो ही हैं। मेरे अंकल अकेली संतान हैं अपने माता पिता की, जो अब दोनों ही नहीं है। मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं और अभी कोई संतान नहीं है। 2022 सितंबर में मुझे कंसीव हुआ पर 3 महीने बाद मिस कैरेज हो गया। जब से मेरी शादी हुई है, शादी के बाद मैं अफ्रीका आई, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जब अगस्त 2022 में मैं मेरे अंकल के ऑफिस के काम से दूसरी जगह गए 1 महीने के लिए, वहाँ हम एक ऐसे ही घूमने के लिए निकले, एक रेस्टोरेंट से वापस आते समय मुझे दो मोर बहुत सुंदर दिखे। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, मेरे अंकल को भी अच्छा लगा। तब फिर हम घर पर आ गए। तब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि गुरु जी ऐसे मोर रूप में भी दर्शन देते हैं। फिर मेरे अंकल ने इंग्लैंड के वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया। मैं बहुत उदास, और मेरा रोना बंद ना हो, मेरे अंकल का भी मन बहुत उदास था। फिर एक दिन ऐसे ही मेरा मन बहुत उदास, किसी से बात करने का मन ना करे, लाइफ ऐसे लगे कि कुछ भी नहीं है लाइफ में। मैं गुरु नानक देव जी को मानती हूँ और शेरावाली माता को। जब से मैं शादी हो के यहाँ अफ्रीका आई हूँ, तब से मैं अपने घर में गुरु नानक देव जी की जोत जगाती हूँ। जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तब मेरे मन में डाउट आया कि मैं तो गुरु नानक देव जी की जोत जगाती हूँ, अब ये मैं गुरु जी की भी जोत अलग से लगाऊं। फिर गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि गुरु नानक देव जी और शिव जी एक ही हैं। तब से मैं गुरु जी को मानती हूँ। गुरु जी ने मुझे 2 बार सत्संग के द्वारा बताया कि मेरी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो ब्लैक मैजिक की वजह से हैं। गुरु जी ये भी मैसेज देते हैं कि मैंने तुझे लाखों की भीड़ में से चुना है, मैं तेरा प्यो हूँ, तेनु चिंता करन की कोई लोड़ नहीं है। मैनू सब पता है कि कुछ तू अपनी लाइफ विच खोया है, तेरा प्यो सब तेनु देवंगा, बस तू सिमरन सेवा शुक्राना करी चल, मेरे दिखाए रास्ते ते चली चल। जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा लीवर 3rd ग्रेड पर था और बीमारी भी थी।
फिर गुरु जी की कृपा से बिना दवाई के 1 महीने में ही मेरा लीवर 2nd ग्रेड पर आ गया और मेरी हेल्थ में काफी सुधार आया। मैं और मेरे अंकल की हेल्थ पहले से ठीक है। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। हर टाइम ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे है। दिन में भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता था। जब से मुझे गुरुजी ने अपनी बेटी बनाया है, गुरुजी ने मेरी इस नींद वाली दिक्कत को दूर कर दिया है। मैं अब बिना किसी परेशानी के सो जाती हूँ गुरुजी का सत्संग सुनते हुए। गुरुजी हर बार मुझे मैसेज के जरिए बोलते हैं, पुत्र तैनू डरन दी कोई लोड़ नहीं, तेरा पियो हर पल तेरे नाल खड़ा है, तू बेफिक्र होकर सोया कर। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी पिता रूप में हर पल मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु जी ने मुझे जन्माष्टमी पर मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया। मैं उस दिन अपने अंकल के साथ इस्कॉन टेम्पल गई। उस दिन मैंने पीले रंग के कपड़े पहने और भगवान कृष्ण ने भी पीले वस्त्र धारण किए थे। मैंने जब दर्शन किए मेरे मुख से यही निकला, जय गुरु जी। फिर हम सभी हॉल में दर्शन करके बैठे तो मैंने गुरु जी को मन में कहा, गुरु जी मुझे एहसास कराओ कि आप हो यहाँ। तभी मेरे कहते ही पहले एक गुब्बारा फूटा, फिर दूसरा, ऐसे 2-3 गुब्बारे फूटे। तब मैंने दिल से कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद तितली के रूप में भी कितनी बार दर्शन दिए। गुरु जी ने चाय प्रसाद में भी ओम रूप में दर्शन दिए हैं और रोटी में ओम रूप में दर्शन दिए हैं। कड़ा प्रसाद में भी त्रिशूल रूप में दर्शन दिए। गुरु जी का लख लख वारी शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, वो अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं। मैं अब अपने अगले सत्संग को फिर शेयर करूंगी। तब तक के लिए सारी संगत आंटी का शुक्रिया, गुरु पा का लख लख वारी शुक्राना, सारी संगत ते सब ते गुरु महाराज अपनी कृपा मेहर बनाई रखी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये था अफ्रीका से, नाइजीरिया से एक आंटी का सत्संग। उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है, इनका शुक्राना सत्संग था। और मैं आप सबके साथ इसको गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण पिता चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आपका भी यदि कोई सत्संग है तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए। और मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अरदास करती हूँ, गुरुजी सबको खूब खुश रखें, खूब स्वस्थ रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।